जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू वैकेंसी जो निकली थी CRPF ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल वाली, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। उसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आउट कर दिए गए हैं, तो उसी के आपके कुछ डाउट हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो किन किन के एडमिट कार्ड अभी आए हैं, और जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं उनके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, किस वजह से नहीं आए हैं, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जिनके फ़ोटो पर डेट नहीं है उनके नहीं आएंगे क्या, या कुछ और दिक्कत तो नहीं बनेगी उनके साथ। और आपके जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट चाहिए जिनके एडमिट कार्ड आ गए हैं और जिनके भी आएंगे, उन सभी के एग्जाम के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसी के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबसे ज़रूरी बात है कि कहीं ऐसी कोई चीज़ आपसे छूट नहीं जाए। कभी कभार देखा जाता है कि एक दो छोटी मोटी चीज़ की वजह से कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया, कुछ और जो भी मांगा है उसमें, तो कुछ उसमें से रह तो ना गया, एक इसी छोटी गलती की वजह से हमें वहाँ से लौटना पड़ता है। तो CRPF ने इस अपने एग्जाम में क्या क्या मांगा है डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आपके कुछ डाउट हैं एक दो जरूरी, उसके ऊपर बात करेंगे कि जिनके एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं क्या उनके अब नहीं आएंगे, या किस वजह से नहीं आएंगे, या उनके आएंगे तो कब तक आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ कि इसके जो एडमिट कार्ड हैं इन्होंने CRPF ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है, आप वहीं वहाँ जाकर के चेक कर लीजिए कि ये जो मतलब अलग अलग फेज में हो रहे हैं एग्जाम, ठीक है, और एडमिट कार्ड भी एक साथ नहीं आ रहे, वो भी इन्हें दो तीन फेज में ही निकालेंगे, उसकी इन्होंने डेट दे दी है। देखिए जिनके जो एग्जाम 1 से लेकर के 3 जुलाई तक हैं, 1 से लेकर के 3 जुलाई तक हैं, उनके एडमिट कार्ड 25 जून को आउट करने की CRPF ने बोला। हालांकि ये पहले ही एडमिट कार्ड आ चुके, लेकिन उन्होंने फिर भी 25 में डाल रखा था, उससे पहले इनके एडमिट कार्ड आ गए। अब तक जो एडमिट कार्ड आए हैं वो 1 से 3 जुलाई तक जिनके एग्जाम की डेट है उनके आ गए हैं, और जिनके एग्जाम की डेट 4 से 5 जुलाई है उनके एडमिट कार्ड 27 जून को आएंगे, ठीक है, उनके एडमिट कार्ड 27 जून को आएंगे। और जिनके एग्जाम की डेट 6, 10, 11 और 12 जुलाई होने वाली है उनके एडमिट कार्ड 29 जून को आएंगे। तो दोस्तों आपका अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके एडमिट कार्ड आएंगे उनके लिए भी अच्छी बात है कि आप अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दीजिए, और जिनका नहीं आया वो बिल्कुल बिना टेंशन के अपना आराम से अपने एडमिट कार्ड आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो इस डेट के हिसाब से आएगा। आपका एडमिट कार्ड जो आगे आने वाला होगा इसलिए आपका एडमिट कार्ड अब नहीं आया। दूसरी बात जो हम बात करते हैं कि जिनके फ़ोटो पर डेट नहीं है क्या उनके नहीं आएंगे, तो मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जिनके फ़ोटो पर डेट नहीं है उनके फिर भी एडमिट कार्ड आ गए, तो इसमें आपके लिए कोई भी घबराने वाली किसी भी बात नहीं है कि अगर आपने फ़ोटो पर डेट नहीं लगाई थी जब फॉर्म भरते टाइम डेट नहीं लिखी थी तो आपके एडमिट कार्ड ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि नहीं आएंगे। आपके एडमिट कार्ड सभी के आएंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा है अच्छे तरीके से, नॉर्मल सही रूप से फॉर्म भरा है, सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए भी ये अच्छी न्यूज़ है कि अगर आपने एडमिट कार्ड पर डेट उस पर फोटो पर नहीं लगाई तो भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, हम बात कर लेते हैं कि आप जब एग्ज़ाम देंगे, चाहे भले ये 1 से 3 जुलाई, 4, 5 जुलाई या ये जितने भी आपके जो एग्ज़ाम होंगे जिन डेटों में, सभी के लिए उन्होंने CRPF ने एक वो निकाला है सबके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो यहाँ सुन लीजिए कि सबसे पहले तो आपके पास 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात है कि आपके पास ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्लस कॉपी, आपके पास ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए और उसकी एक ले जाना या दो ले जाना, उसकी एक दो फ़ोटो कॉपी ले जाना। ओरिजिनल आपको पता है ओरिजिनल आईडी, जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, तो इस तरीके से ये ले जाना। उसके बाद है आपकी जो सबसे ज़रूरी है, इसको विशेषकर सुनना, एडमिट कार्ड की 2 कलर कॉपी, एडमिट कार्ड की 2 कलर कॉपी लेके जानी है, 2 और 2 तो ले जाना, लेकिन उसके साथ ध्यान रखना कि कलर कॉपी निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है, कलर कॉपी निकालनी है 2, ठीक है, एडमिट कार्ड की। उसके साथ ब्लू बॉल पेन, ठीक है, और उसके साथ साथ पेपर फॉर रफ वर्क, यानी कि जो आप वहाँ एग्जाम देंगे आपको वहाँ रफ़ करने की जो ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए पेपर आपको खुद ही ले जाना, अगर आप नहीं लेंगे तो वहाँ अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि पेपर फॉर रफ़ वर्क, ठीक है। ये तो हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ इसी के साथ साथ कि जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें नीचे एक पेज और दिया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपको खुद भरना होगा, लेकिन एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने से पहले नहीं भर सकते, ये आपको वहीं पर भरना होगा, इसमें लिखा भी होगा शायद ऊपर, आप जब एंट्री कर लेंगे वहाँ उसके बाद ही आपको इसे भरना होगा अच्छे तरीके से, वो वहाँ आपको आराम से बता देंगे किस तरीके से ये भरना है आपको। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आपके लिए, अगर आपके एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए तो आप परेशान मत होइए, आपके एडमिट कार्ड बिल्कुल आराम से किसी भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग डेट दी गई हैं, 2-3 फेज में आपके
जो एडमिट कार्ड हैं वो आएंगे। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी मुझे अभी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यार अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।